हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, मैं 8 वीडियोस अपलोड करता हूँ। एक और ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ आइस का। 4 पार्ट में वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट आइस का है, जिसमें कैसे HP पेंसिल से, सिर्फ एक पेंसिल से, कैसे रियलिस्टिक वे में ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं वो बताने वाला हूँ बिगिनर्सों के लिए, जो बिगिनर्स गलती करते हैं, मेन गलती करते हैं, शुरुआत में रियलिस्टिक बनाने की सोचते हैं और काफ़ी मतलब जल्दबाजी में उनसे ख़राब हो जाता है। भले वो चीज़ टाइम देगा और ज़्यादा अच्छी बनी जा सकती है, मगर जल्दबाजी में वो बहुत ख़राब कर देते हैं। समझ, आउटलाइन उनकी बेटर होती है, लेकिन शेडिंग में कहीं ना कहीं पटापटापन आ जाता है, कहीं पे ब्लेंडिंग सिस्टम सही से नहीं हो पाता, और काफ़ी डिटेल सी में काफ़ी मतलब बाहर चीज़ें चली जाती हैं उसमें। ये बेसिक्स गलती होती हैं बिगिनर्सों की। उससे जो ड्रॉ करते हैं, वो ड्रॉ करने के बाद कहीं पे डार्क हो जाता है, कहीं पे लाइट हो जाता है, एकदम ब्लैंक शेडिंग का एक्यूरेसी नहीं पता होती इन्हें कैसे। और शुरुआत में अगर ड्रॉ करते हो आप, पहले HP पेंसिल से ड्रॉ करे करो, पूरे फेस को, हेयर हो चाहे कुछ भी हो, आईब्रो बनाओ, पुपिल बनाओ, आई बनाओ, लिप्स बनाओ, नोज बनाओ, या कुछ भी बनाओ, ऑल ऑफ उसमें अपने आर्ट बॉक्स में रेफरेंस की। तो शुरुआत में बेसिक्स मतलब हाई, बिल्कुल लो वाली पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, बिल्कुल लाइट पेंसिल यूज़ करनी चाहिए। HB या B, कुछ भी ऐसी पेंसिल यूज़ कर सकते हो आप। HB जैसी के 2B, 2B की पेंसिल यूज़ कर सकते हो, 3B, कुछ भी ऐसी पेंसिल यूज़ कर सकते हो अपने आर्टवर्क को हाई रियलिस्टिक बनाने के लिए। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो, मेरे ब्रूसली का बनाया हुआ था रियलिस्टिक, इसमें पूरा एक दिन लगाया था मैंने। अब जैसे लोग गलती करेंगे, जैसे कि कोई तभी फ़ोटो पकड़ लेंगे फटाफट, एक दिन में निपटाने की सोचते हैं जल्दी में, मतलब आज ही बैठे आज ही हो जाए, ऐसे ख़राब बन जाता है आर्टवर्क। तो थोड़ा टाइम देकर बनाना चाहिए सबों को, जो भी बिगिनर्स हैं सबों को टाइम देकर बनाना चाहिए। तो मैं आई ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो सिर्फ HP पेंसिल यूज़ करूँगा, स्टेडलर की, ये वाली आपको पता है लोमोग्राफ पेंसिल है। इसका मतलब बहुत पुरानी हो चुकी है ना, इसकी ये भी घिस चुकी है। तो HP पेंसिल है, 0.3 की साकुरा मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करूँगा हाइलाइट देने के लिए। मोनो जीरो इरेजर, ब्लेंडिंग स्टफ यूज़ करूँगा, एंड और नेटेबल इरेजर यूज़ करूँगा हाईलाइट देने के लिए, स्मूथ टेक्सचर लाने के लिए। बस यही है वो आज का। फोटो लिया है, गली का फेस का फोटो लिया है, इसमें साकुरा की 0.5 की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ आउटलाइन बनाने के लिए। पहले मैं इस वीडियो में सिर्फ आई के बारे में बताऊंगा, और सेकंड पार्ट नोज का, थर्ड पार्ट लिप्स का आएगा पूरा उसका, फिर फेस का पूरा, फोर्थ पार्ट में ये वीडियो बनेगी पूरी। ये फर्स्ट पार्ट आई के बारे में बता रहा हूँ। अब इसमें दोनों में मैं आई बनाऊंगा, पहले थोड़े टाइम लैप्स वीडियो बना दूंगा। अभी शुरुआत में मैं हल्के हल्के ड्रॉ करूँगा, और थोड़ी सी स्पीड रखिए, तो सिर्फ थोड़ी सी, जो आपको समझ आएगा बिल्कुल क्लैरिटी में। और ये बिगिनरों के लिए है, जो शुरुआत में नहीं कर पाते, तो आराम से एक एक करके, मतलब एक एक करके पेशेंस रखना चाहिए, एक एक करके बनाना चाहिए पूरा आर्ट वर्क हमें अपना। जैसे कि मैं पूरा ऑब्जर्व कर कर ये जैसे आई है उसकी बिल्कुल रेफरेंस में वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों की शेडिंग से। साइड में जो फोन रखा हुआ है आपको दिख ही रहा होगा, बिल्कुल वैसे, बस शीट का साइज थोड़ा हुआ है, लेकिन बिल्कुल सेम एक्यूरेट सीधी फ्रंट में मैं बना रहा हूँ आपको दिखलाने के लिए। जूम कर दी मैंने, आपको क्लियर जो दिखे, बिल्कुल हल्के हाथों से, और पेंसिल को हमेशा आउटलाइन बनाते हुए पीछे से पकड़ना चाहिए। ये मैंने आईब्रो बना ली, शेडिंग का जो भी होता है बाद में करते हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल नॉर्मल पेंसिल से बनाना चाहिए, बिल्कुल B या HB से, और वो भी हल्के हाथों से शेडिंग करनी चाहिए। जब जाके रियलिस्ट एक शेड आती है, फिर उसी के ऊपर लेयर चढ़ानी चाहिए 2B की, जो भी आपके रेफरेंस में फोटो है उसके अकॉर्डिंग। थोड़ी टाइम लैप्स वीडियो कर दी मैंने,
HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ मैं, स्टाइलर पेंसिल शेडिंग के लिए। शुरुआत में फर्स्ट लेयर में स्टाइलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ HB। सिर्फ HB से ही मैं शेड करते हुए दिखलाऊंगा आपको रियलिस्टिक में, और कोई पेंसिल नहीं। 2B HB सिर्फ HB यूज़ होगी, और एक ब्लेंडिंग स्टम्प एंक ब्रश ओनली, उसमें सिर्फ आई रियलिस्टिक ड्रो करते हुए दिखलाऊंगा आप। और बिगिनर जो आप गलती करते हो, जैसे कि आप बनाते हो तो डार्क पे एकदम चले जाते हो, लेयर बाय लेयर जाना चाहिए। कोई भी आर्टवर्क बनाते हैं तो लेयर बाय लेयर पे जाना चाहिए, काम करना चाहिए, जब जाके रियलिस्टिक लुक आती है हमारे आर्टवर्क में। जैसे रेफरेंस है, या रेफरेंस को ड्रॉ करने के लिए शुरुआत में आप ग्रेड का भी यूज़ कर सकते हो। मुझे प्रैक्टिस में बिना ग्रेड के अंदाजा बना लेता हूँ, पहले एक आई बनाता हूँ लेफ्ट की, फिर राइट की, फिर जाके फिर नोज बनाता हूँ, वही एक लाइन खींच कर नोज का वो बन जाता है मेरा। फिर आगे मैं कुछ काम करता हूँ, जैसे मैं लेयर बाय लेयर HB से सिर्फ शेड कर रहा हूँ अभी, पूरी आईज में मैंने ब्रो में हर जगह शेड कर दी, कैमरे का एंगल बदल दिया मैंने। ये बहुत जूम है तो आपको देख रहा होगा कितना रफ पेपर है, ये नॉर्मल पेपर पे बना रहा हूँ मैं सिखाने के लिए, नॉर्मल पेपर पे बना रहा हूँ, कहते रियलिस्टिक नॉर्मल पेपर पे भी आर्टवर्क बनाया जा सकता है। और आर्टवर्क्स आइवरी पे ही बनाता हूँ मैं, 180। ये मैं शेड कर रहा हूँ HB पेंसिल से डार्क में, थोड़ी टाइम लैप्स वीडियो कर रखी है मैंने। ये ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करा मैंने, पूरी आईज में पूरे उसमें हर जगह शेड कर हल्के हाथों से ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करा तो डार्कनेस आ गई। फिर उसके ऊपर दोबारा लेयर में मैंने उसी पेंसिल से दोबारा डार्क करा, फिर वो लेयर आ गई। मैं और करे जा रहा हूँ, मतलब आईब्रो पे और शेड कर दी, और जो साइड में फोटो में मुझे थोड़ा डेप्थ दिखाई दे रहा है, डार्कनेस दिखाई दे रही है, तो वो मैं डाल रहा हूँ फोटो के अकॉर्डिंग। आपको भी अपने फोटो के अकॉर्डिंग में वैसे ही डालना है। ये ब्लेंडिंग स्टम्प से मैं हल्के हल्के हाथों से सिर्फ पूरी आई में कर दिया है, देखो कैसे आई में डार्क लुक आ गई रियलिस्टिक वाली। अब इसमें हमें काम करना है फोटो के अकॉर्डिंग, बिल्कुल जो जहाँ पे हमें हाईलाइट देखनी है टोम्बो से हाईलाइट देनी है। जैसे मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ डिटेलिंग के लिए, बिल्कुल जूम कर रखा है मैंने, बिल्कुल जूम दूर से काफी अच्छी लग रही है, बिल्कुल जूम से दिखला रहा हूँ आप। मैकेनिकल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ मैं आंखों में अभी तक, या आईब्रो पे जो डेप्थ वाला पार्ट है उसमें मैंने डार्कनेस दिखला दी, डार्कनेस कर दिया सिर्फ मैकेनिकल पेंसिल से यूज करते हुए। और HB की लेड डली हुई है इसमें भी, कोई 2B 3B 4B की नहीं है, सिर्फ HB की लेड से बना रहा हूँ। मैं सेकंड आई पे आया हूँ डार्कनेस डालने के बाद, फिर हर उस पर सिर्फ मैकेनिकल पेंसिल से मैंने शेड कर दी, क्योंकि HB की लेड है इसमें, ये HB से मैंने पूरी उसमें डाल दी, पूरी उसमें कर दिया, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा डेप्थ है वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर डाल दिया, और जहाँ पे हल्का है तो वहाँ पे हल्का प्रेशर डाल दिया। और आप कभी भी ड्राइंग बनाते हो तो पेपर पे कहीं पर ब्लेंड करने से ना तो वाइट वाइट वो रह जाता है, ज़्यादा डार्क हो जाता है तो नीचे कूड़ा होता है, तो कभी भी शीट पे ड्राइंग बनाओ तो नीचे से साफ करके बनाया करो। ये देखो थोड़ी इसमें ब्लेंडिंग में थोड़ा वो लग रहा है, क्योंकि पेपर ये ख़राब वाला है, स्मूथ ज़्यादा दिखाई दे रही है, स्मूथ में ज़्यादा दिखाई दे रही है, रफ़ और स्मूथ दोनों, ज़्यादा रफ पेपर होता है ना फटाफटा सा तो उसमें ऐसा लगता है। मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ अभी तक HB लेड में। ये मैंने आईब्रो बना दी शेड करने के बाद, हमेशा पहले आईब्रो नहीं बनानी, पहले पीछे का बैकग्राउंड बनाना चाहिए स्किन का जो है, फिर आईब्रो डालनी चाहिए, फिर जहाँ हाईलाइट है वो डालना है, फिर यूज़ करके रियल लुक आता है।
देखो कैसी लग रही है। जो इसके पुपिल के जो साइड में वाइट लेयर होती है ना वाइट, वहाँ पे बिल्कुल वाइट कभी छोड़े मत करे करो, हल्की सी शेड कर कर ब्रश से या किसी भी चीज़ से ब्लेंड कर दे करो, उससे रियलिस्टिक लुक आती है। जैसे मैंने ब्रश का यूज़ कर दिया हल्का फुल्का वो भी। अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसे इरेजर से, नेटेबल इरेजर से। स्मूथनेस आती है इससे, ये देखो दोनों आई मेरी ऐसी बनी है क्योंकि मैं लेयर बाय लेयर काम कर रहा हूँ, सिर्फ HP पेंसिल से शेड कराया मैंने। और अब मैं थोड़ी दूरी के लिए मैं पहले स्मूथ लाने के लिए शेड कर दिया, इसको ब्लेंड कर दूंगा, ब्रश से ब्लेंड कर रहा है बस, ब्लेंडिंग स्टेप का यूज़ नहीं करा क्योंकि खाल पे स्मूथनेस दिखानी चाहिए। जो हमारे फेस का टेक्स्चर होता है वहाँ पे ज़्यादा स्मूथनेस होती है, तो उसके हिसाब से स्मूथनेस होनी चाहिए। अगले पार्ट में मैं इसके नोज़ के बारे में बता दूंगा आपको, जब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला पार्ट मेरा नोज़ का ट्यूटोरियल होगा, इसके बाद मैं उसका अपलोड कर दूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय। Oh, you with me?